उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों का मंगलवार सुबह 3:52 पर पहला फुटेज सामने आया है। छह इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए रविवार को एंडोस्कोपी कैमरा अंदर भेजा गया था, जिसके जरिए मजदूरों से बातचीत की गई, उनकी गिनती भी की गई। सभी मजदूर फिलहाल सुरक्षित हैं। इसी 6 इंच वाली पाइप से मजदूरों के लिए देर रात 24 बोतल में खिचड़ी और दाल भेजी गई। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को गर्म खाना भेजा गया। इसके अलावा संतरे, सेब और नींबू का जूस भी उन्हें भेजा जा रहा है। मजदूरों की हर एक एक्टिविटी का पता लगाने के लिए अब दिल्ली से हाईटेक सीसीटीवी मंगवाए जा रहे हैं। उनको अंदर भेजकर मजदूरों से सेट करवाया जाएगा। इसके अलावा सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 अहम सफलता मिली। पहली 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन डालेगी, दूसरी ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों को किसी अनहोनी से बचाने के लिए रेस्क्यू टनल बनाई जा चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल टर्निंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क ने उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वे किया और वर्टिकली ड्रिलिंग के लिए 2 स्पॉट फाइनल किए। मजदूरों को खाना देने के लिए 6 इंच की नई पाइपलाइन डालने में सफलता प्राप्त हुई। ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टनल बनाई गई है। बता दें कि पिछले 9 दिनों से लगातार मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए विभिन्न राहत टीमों द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक बाहर सुरक्षित नहीं निकाला गया। ऐसे में विदेशों से भी मशीनें मंगाई गई हैं और विदेशों से एक्सपर्ट भी, टनल एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, जो अब प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। फसला से आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। सभी को एक एकड़ के कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना कि ये हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल ये कौन है? ये सुखजीत है। इसके बगल वाला अधिक, अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी इनको बोलो, हम लोग अभी पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ, पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को, बता दो उनको। अब वापस भेजने बोलो उसको, वापस हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में लाके रखे, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं, उसके बाद पानी छोड़ेंगे इसमें कंप्रेसर। कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे कंप्रेसर से, पीछे हट जाए कंप्रेसर।